प्रेग्नेंट युविका को आखिर क्या हुआ जिसके बाद उन्हें अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। दोस्तों, पॉपुलर एक्ट्रेस युविका चौधरी 41 साल की उम्र में जल्द ही मां बनने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले ही एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी और IVF के जरिए वो कंसीव कर चुकी हैं। 41 साल की उम्र में कंसीव करना युविका के लिए आसान नहीं रहा, इसको लेकर उन्होंने बात भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक युविका को इस उम्र में IVF से हुई प्रेगनेंसी की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से युविका को अब तीसरे ट्राइमेस्टर में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रिंस फिलहाल काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, वहीं एक्ट्रेस को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि युविका को हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाया गया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा, जिसके बाद घर आकर युविका कई घंटों तक बेड पर सोती ही रही। फिलहाल युविका पहले से अच्छा फील कर रही हैं। एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, मुझे काफी टाइम से दिक्कतें हो रही थी लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था जो मैंने नहीं किया। अब मुझे अपना लेसन मिल चुका है, मैं आराम कर रही हूँ, मेडिसिन चल रही है, पर कल मुझे दोबारा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होगा। मुझे पूरी रात वॉमिटिंग हुई है। आपको बता दें, एक्ट्रेस की हालत अब पहले से बेटर है, लेकिन जब युविका ने अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया था तो फैंस खुश हो गए थे। कई बार युविका ने अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए ढेर सारी फोटोज और वीडियोस अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। फैंस भी उनके बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जब उनका बेबी शावर हुआ था उसमें भी एक्ट्रेस कमाल की खूबसूरत लग रही थी। तो आपका क्या कहना है एक्ट्रेस को लेकर, कमेंट करके दोस्तों हमें अपनी राय बताइएगा। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।